चलिए गाइस, रसायन के अध्ययन में हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बारे में जान पा रहे थे, रासायनिक बलगतिकी। और आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट से संबंधित कुछ अभिक्रियाओं की कोटि के बारे में जानेंगे। और अभिक्रियाओं की कोटि के बारे में जानने के बाद किसी रासायनिक अभिक्रिया के कोटि के लिए यूनिट कैसे मालूम करते हैं, राइट। अभी तक हम लोग काफी वीडियो लेक्चर के बारे में जान पाए और वहां पर आपको जाकर वीडियो को विजिट करके, वीडियो को प्ले करके एक एक वीडियो को समझना है, राइट। सो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है कुश मिश्रा और आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन पाठशाला केमिस्ट्री चैनल पर। जैसा कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के वेग व्यंजकों के अभिक्रियाओं की कोटि तथा वेग की इकाइयां ज्ञात करना है, राइट। यानी कि ये आपको तीन अभिक्रियाएं दी गई हैं। एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें जानना है इनका ऑर्डर यानी कोटि क्या है। इसके बाद हम लोग जानेंगे इनके यूनिट्स के बारे में, राइट। तीन अभिक्रियाएं हैं, एक एक करके इन्हें जरा समझते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। फर्स्ट अभिक्रिया है क्या, थ्री अणु गैसियस फॉर्म में होता है, इजेरो मार्क N2O प्लस NO2, ये भी गैसियस फॉर्म में ही है, राइट। और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए कोटि निकालना रहता है तो आप जानते हैं वेग और कंसंट्रेशन इस डायरेक्टली आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि यहां पर हम रेट को स्मॉल आर से भी डिनोट करेंगे, वेग भी लिख सकते हैं और आर ओ आर भी लिख सकते हैं, राइट। चलिए हम यहाँ पे आर ओ आर दिखा रहे हैं। आर ओ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्टिव मास ऑफ NO के। ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, यदि आप NO का एक्सपेरिमेंट करेंगे, प्रयोग करेंगे, तो इसका जो घात है, कंसंट्रेशन है, वो कितना आएगा, 2। इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये जो अभिक्रिया है बच्चों, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, राइट। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित सांद्रताओं के पदों के घातों को ही हम लोग अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, राइट। आप प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट लेंगे, कॉन्स्टेंट क्या होगा, के NO टू दी पावर 2, इट्स ऑलराइट। चलिए अब यहां पे इस अभिक्रिया का कोट यानी ऑर्डर कितना आया, 2 आया। अभिक्रिया की कोट 2 आया है, अब इसका यूनिट मालूम करते हैं। द्वितीय कोट के अभिक्रिया के लिए यूनिट क्या होगा, के इक्वल टू, क्या हमने यूनिट बता रखा था, मोल पर लीटर टू दी पावर 1 माइनस N इंटू सेकेंड इनवर्स। ये बात समझ में आई। यहां पे सेकेंड के स्थान पर टाइम होना चाहिए, तो हमें वैल्यू पूरा का पूरा सेकेंड में निकालना है, इसलिए हम यहाँ पे सेकेंड ही रखेंगे। यार क्या है, ऑर्डर्ड है। अभिक्रिया की कोट कितना है, 2 है, रख दीजिए। मोल डिवाइडेड बाय लीटर पर पावर 1 माइनस 2, और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स, राइट। आप इसे माइनस करोगे, घटाओगे तो माइनस 1 आएगा, यानी ये हो गया मोल इनवर्स, और ये हो जाएगा लीटर, और ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का जो यूनिट होता है बच्चों, वो क्या है, मोल इनवर्स लीटर इनटू सेकेंड इनवर्स, राइट। फटाफट से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। अब हम लोग सेकेंड नंबर का क्वेश्चन जानते हैं, किस प्रकार की अभिक्रिया की कोटि है और इसका यूनिट क्या होगा। चलिए इसी नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं। अब हम लोग सेकेंड नंबर के क्वेश्चन के बारे में जानते हैं, देखते हैं इसकी अभिक्रिया की कोट क्या हो सकती है, सॉल्व करते हैं इसे। क्या है अभिक्रिया, ध्यान दीजिए, CH3CHO यानी कि एस्टेडिहाइड, गैसियस फॉर्म में है, इजेरो मार्क CH4 मेथेन, ये भी गैसियस फॉर्म में है, प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी गैसियस फॉर्म में है, राइट। अब यहां पे हमें रेट यानी आर ओ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है, किसके, अभिकारक की सांद्रता के। चलिए कर देते हैं, CH3CHO टू दी पावर कितना लगा दें, हमने सपोज मान लीजिए हमने CH3CHO एस्टेडिहाइड का एक्सपेरिमेंट किया। जब CH3CHO का एक्सपेरिमेंट किया तो इसका जो कंसंट्रेशन है, जो सांद्रण है, जो अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करता है,
वो कितना है 3/2, यानी यही है जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, बढ़ाता है। यही है रासायनिक अभिक्रिया के सांद्रता का निर्धारण करता है। यही है एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ न कुछ कंसंट्रेशन की वैल्यू आती है और वो जो अभिक्रिया के अंदर कंसंट्रेशन होता है वो अभिक्रिया के वेग को निरंतर बढ़ाता रहता है। बात समझ में आई? तो आप प्रोपोजल का जब साइन हटाएंगे कोई न कोई कांस्टेंट वैल्यू लेंगे, वो क्या होगा के, यानी एक्टिव मास ऑफ CH3CH2 to the power 3/2। अभिक्रिया कोड कितना आया 3/2, यानी ऑर्डर कितना आया 3/2, राइट। चलिए अब जरा हम लोग यूनिट के बारे में मालूम कर लेते हैं। के इक्वल टू मोल पर लीटर 2^(n)/s ये बात आपको समझ में आई? अब यहां n का वैल्यू रखते हैं, क्या रखेंगे बच्चों, 3/2, यानी 1 - 3/2, और ये क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। जब आप इसे माइनस करोगे तो -1/2 आएगा, राइट। यानी यहां पर क्या हो जाएगा मोल 2^-1/2, और ये क्या हो जाएगा लीटर पावर हाफ, और ये क्या हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, राइट। अगर अभिक्रिया 3/2 टाइप, इसे आप हल करेंगे 1.5 आएगा। बात समझ में आई? तो 1.5 अभिक्रिया का जो यूनिट होगा वो क्या निकल के आएगा, मोल इनवर्स, सॉरी मोल पावर माइनस हाफ, लीटर पावर हाफ, सेकंड इनवर्स। ये बात समझ में आई? तो इस प्रकार से हम लोग सीख पा रहे हैं कोई रासायनिक अभिक्रिया दी हो तो उसका कोड एक्सपेरिमेंट प्रयोगों द्वारा निकालते हैं। कोड प्रयोगों द्वारा निकालने के बाद यूनिट कैसे मालूम करते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग सीख पा रहे हैं। चलिए फटाफट से आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, आगे चलते हैं। चलिए अब इसके बाद हम लोग थर्ड नंबर का क्वेश्चन जानेंगे, जिसमें लिखा गया है C2H5Cl, ये भी गैसियस फॉर्म में है। जीरो मार्क C2H4, ये भी गैसियस फॉर्म में है, प्लस HCl, इट्स ऑल राइट, डजंट मैटर। इसमें कुछ है नहीं, आप बहुत सिंपल है, सब चुटकियों में सीख जाएंगे केमिकल काइनेटिक्स। हमेशा कंफ्यूज में रहते केमिकल काइनेटिक्स है क्या, केमिकल काइनेटिक्स क्या है यार, कुछ भी नहीं है। केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का निर्धारण करना रहता है, राइट। यही तो हम लोग पूरी केमिकल चैप्टर में जान पा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में। ये अभिक्रिया दी है, इसके लिए हमें आर ओ आर लिखना है, राइट, सॉरी आर ओ आर नहीं, हमें रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है। आप जानते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो कोट होती है वेग और कंसंट्रेशन के बीच का हमेशा संबंध बताता है। यहां पे हम क्या लिखेंगे, आर वार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ C2H5Cl पे पावर क्या रख दे 1। एक्सपेरिमेंट करने पर अभिक्रिया कोट इसकी एक ही आएगी, राइट। जब आप प्रयोग करेंगे तो 1 मालूम हो जाएगा, इक्वल टू के इंटू एक्टिव मास ऑफ C2H5Cl to the power 1। ऑर्डर कितना है बच्चों, ऑर्डर निकल के आया 1। अब ध्यान दीजिए इसका यूनिट हमें मालूम करना है, तो यूनिट क्या होगा, मोल पर लीटर 2^(1)-, यानी हमने आगे बता रखा है आपको कुछ है नहीं, सेकंड इनवर्स। यहां क्या है, मोल पर लीटर 2^(1)-, यहां का वैल्यू क्या है 1 है, और ये क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। पूरे फैक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी 1 0 नहीं सॉरी 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 - 1 0, किसी पावर 0 बराबर क्या होता है 1 होता है, और ये यूनिट क्या निकल के आया सेकंड इनवर्स। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया कोट 1 हो तो यूनिट क्या होगा, सेकंड इनवर्स। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हम लोग सीख पाए किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए कोट कैसे मालूम करते हैं, एक्सपेरिमेंटल डाटा ही एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकालते हैं। कोट मालूम होने पर इसका यूनिट कैसे मालूम करते हैं, राइट। और बच्चों अभी तक हम लोग काफी वीडियो लेक्चर के बारे में जान पाए, और जितने भी वीडियो लेक्चर पढ़ाए गए हैं हर वीडियो लेक्चर पर आपको जाकर प्ले करके एक एक पॉइंट की बातों को नोट डाउन करना है। यदि बच्चों आप नोट नहीं करते हैं तो हर वीडियो लेक्चर को आप ध्यान पूर्वक आप समझिए,
यदि आप हर वीडियो लेक्चर को ध्यान पूर्वक समझते हैं तो आप जानते हैं हम इतने सरल शब्दों में लेक्चर को प्रोवाइड करते हैं कि आप लेक्चर केवल सुनेंगे तो इतने में ही आपको समझ में आ जाएगा। यदि आपको कहीं समस्या है, कहीं आपको प्रॉब्लम दिख रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना, राइट। और आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और इस वीडियो को उन बच्चों के पास शेयर करने की कोशिश करिए जिन्हें इनकी काफी जरूरत है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।